हूं आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर, और फिर से एक न्यू ब्लॉग आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और मैं अभी जो यहां जर्नी करना हूं ट्रेन में, वो ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम एक्सप्रेस, जो हज़रत निज़ामुद्दीन से स्टार्ट होती है और एंड जो होती है वो एर्नाकुलम केरला में जाती है। लेकिन मेरा जो ये ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग सिर्फ महाराष्ट्र के सावल जंक्शन तक ही है। ये हज़रत निज़ामुद्दीन से 5:40 में ये ट्रेन निकली हुई है और 10:50 पे ये भुसावल के रेलवे स्टेशन पर ये मन करेंगे और वही मेरा ये ट्रेन जर्नी ख़त्म होने वाला है। और बीच बीच में जो जो भी मैं स्टेशन कवर करूँगा उस रेल कोच के बारे में बताऊँगा, तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, स्किप मत करिए। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली का दूसरा रेलवे स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन, और मेरे पीछे ये एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस देख सकते हो। इसी ट्रेन से मुझे भुसावल तक जर्नी करना है, तो चलिए मैं अभी डिब्बे के अंदर का सीन दिखा देता हूँ कि एसी क्लास 2 का जो डिब्बा है वो किस प्रकार से रहता है। ये ऊपर वाली सीट जो है मुझे मिली है, देख सकते हैं इसमें एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया होता है और ऊपर के साइड में एक छोटा सा लाइट भी आपको दिया जाता है, जो कर्टन लगाने के बाद आपको सेपरेशन मेंटेन करता है। और एक ख़ास बात इस डिब्बे में मुझे दिखी, वो है जो मिडल की जो लोअर बर्थ और अपर बर्थ है वो चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा होती है, अगर आप तुलना करेंगे साइड की लोअर बर्थ और अपर बर्थ की। तो दूसरी एक बात है कि इस ट्रेन में जो दिए जाने वाली तकिया, दो बेड शीट्स और चद्दर एकदम क्लीन एंड नीट दिए जाते हैं भाई, और कर्टन की सेपरेसी होने की वजह से आप दिन में भी अपने सीट के ऊपर अंधेरा करके आराम से नींद लेके ट्रैवलिंग कर सकते हो। मुझे तो भाई ये बहुत ही बढ़िया ट्रेन लगी है। और थोड़ा मैं बाथरूम की तरफ ले जाना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हैं यहाँ का बाथरूम भी कितना क्लीन एंड नीट दिया गया है। अगर आप यहाँ वेटिंग में भी हो तो यहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ एक ट्रेन द्वारा एक छोटी सी सीट आपको बैठने के लिए दी जाती है। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये डिब्बा बनाया गया है। चल पड़ चुकी है आउटर से। अभी फिलहाल जो ये गाड़ी राजस्थान में है, धौलपुर छोटा सा स्टेशन, धौलपुर स्टेशन से निकल चुकी है। हालांकि ये धौलपुर जो है इस गाड़ी का जो है स्टेशन नहीं है, चंबल का एरिया। हाँ, ये चंबल का है। दिख रहा है उसी टाइम, दिख रहा है ये। हाँ, उसी टाइम है। ये नदी भी चंबल थी, मतलब। हाँ, ये बुलंद देवी पिक्चर बनी थी, वही बनी थी आप। वही उसको ही बोलते हैं ड्रैगन फ्लू। ड्रैगन फ्लू यहाँ से ही। बुलंद देवी को ही ड्रैगन फ्लू बोलती है। हाँ, वही। तो अभी हम पी रहे हैं कॉफी और ये देख सकते हैं वेंडर्स आए हैं ट्रेन में, और कॉफी भी जो है हमें लगाया है 25 रुपीज का ट्रेन। ये देखिए बनाया क्या, बन गया, दे दो। और ये अभी कॉफी का जो है मैं अभी लुप्त ले रहा हूँ। यहाँ थोड़ा गाड़ी रुकेंगी, ये देख सकते हैं वेंडर्स जो है बेचने के लिए रेडी है भैया। ये साइड से, ये गलत साइड से यहाँ घुसते हैं मुरैना रेलवे स्टेशन पे। तो से चलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई भोपाल के
रास्ते एर्नाकुलम जंक्शन को जाने वाली बेच रहा है। क्या है काका ये? 100 रुपए के दो। क्या है इसको? पेठा 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 है। गाड़ी अभी निकल चुकी है, वीडियो बना रहा था। और ये मेरा ऊपर वाला सीट है, सब बिखरा हुआ है, सोया था। और ये नीचे मैं थोड़ा सा और बैठता हूँ। अरे भाई वो मेरा चिकन का ऑर्डर दिया था, वो आया नहीं क्या? हाँ आया, आ रहा है अभी पीछे। आ गया है मेरा चिकन प्लेट। और इस चिकन प्लेट में मुझे क्या क्या मिला? मिला है एक रोटी, इधर रख देते हैं। ओनली वन सिंगल पीस दे दिया है भैया, और हो गया इनका चिकन। और ये देखिए इसमें क्या है, चावल है, दाल है और एक आलू का सब्जी है, बस खत्म। अगर चिकन का प्लेट ले दें तो एक चिकन का पीस, थोड़ा सा चावल और ये आम का अचार मिलता है रामबतू वाला छोटा सा, एक तरफ दाल और ये थोड़ा सा पराठा। तो ये हो गया मेरा 150 रुपये का प्लेट। तो अभी करीबन 1 बज रहा है और अभी मैं खाऊँगा खाना, और खाने के बाद में आपको मिलता हूँ। बने रहे इस ब्लॉग में कंटिन्यू। है बीना स्टेशन 12600 बीना का पेट्रोल पंप। अभी से हम डायरेक्ट भोपाल में ही आपको मिलेंगे। चाय कॉफी। शक्कर थोड़ा ज्यादा डालना बाबा। ओके सर। कॉफी पी रहे हैं। मजा आया भाई। चिप्स नमकीन बिस्किट के देख सकते हैं कि कितने आराम से जो है इस मंगला एक्सप्रेस से जो है आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। देखिए बढ़िया सा शीशा यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। देखो अभी यहाँ से जो है मालगाड़ी कोयले वाली गुजर रही है, आप देख ही सक रहे होंगे। और ये आ चुके हैं हम बरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर। पूरा कैबिन है और AC2 क्लास के सीट में मैं यहाँ बैठा हूँ और ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ऐसा ये एक पीस आपको मिल जाता है पूरा सोने के लिए। दोनों तरफ से जो है कर्टेन लगे हुए रहते हैं और आराम से जो है आप बत्ती बुझा के दिन में भी एकदम बढ़िया तरीके से आप नींद ले सकते हैं। छोटा स्टेशन आया हुआ है, यहाँ भी गाड़ी नहीं रुकेंगी शायद। रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं जर्नी का ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखना। अच्छा लगा लाइक करना, लाइक भी कर सकते हैं। और ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, चैनल